चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है G20 शिखर सम्मेलन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन क्या रहा, G20 के बारे में बात करेंगे और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत सऊदी अरब में हुई। इस शिखर सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का अनुभव है। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर रहा। साल 2023 में समूह के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के बारे में। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती कहा। उन्होंने G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार पर चर्चा तक सीमित न रहकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी बल देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक को बनाने की जरूरत पर बल दिया, जिसमें निम्न चार को शामिल करने की बात की। इसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी संरक्षण को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उससे आगे भी बढ़ रहा है। अब बात करेंगे G20 के बारे में। G20 की स्थापना साल 1999 में हुई थी। पहले इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हिस्सा लेते थे। साल 2008 में इसमें देशों के प्रमुखों को शामिल किया गया। इस फैसले का तात्कालिक मकसद 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर प्रभावी तरीके से मंथन था। इसके बाद से यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रधान वैश्विक मंच के रूप में उभरा। यह 20 देशों का एक समूह है। इसमें अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल है। आज का प्रश्न है, वर्ष 2021 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित होगा? विकल्प ए भारत, विकल्प बी इंडोनेशिया, विकल्प सी इटली और विकल्प डी सऊदी अरब। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.